ऐसे करेंगे दंगे के बाद से करीब 5 साल बाद ये टेनिस टूर्नामेंट हो रहा है। 2013 में टूर्नामेंट हुआ था, लेकिन 5 साल का गैप होने के बाद अब फिर दोबारा ये $25,000 प्राइज मनी का टूर्नामेंट हम लोग कर रहे हैं। इसमें करीब क्वालिफाइंग राउंड में 26 खिलाड़ी खेल रहे हैं और वो 14 देशों से यहाँ खेलने आए हैं, जिनमें मुख्य रूप से चीन है, जापान है, रशिया है, उज्बेकिस्तान है, इटली, जर्मनी, इस तरह से मिला के करीब 14 देश क्वालिफाइंग राउंड में है। और मेन ड्रा जो 12 तारीख से शुरू होगा उसमें करीब सीधी जो लिस्ट ITF लंदन ने हमको भेजी है उसमें 18 खिलाड़ियों की सूची भेजी है, उसमें 11 देश हैं, भारत सहित 11 देश हैं, और भारत के भी करीब 12 खिलाड़ी जो हैं इस टेनिस टूर्नामेंट में खेल रही हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हिंदुस्तान का ये गर्ल्स का बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। इससे बड़ा टूर्नामेंट इस समय इंडिया में कोई भी टेनिस में नहीं हो रहा है। सभी लोग, इंडियंस भी और बाहरी विदेशी खिलाड़ी भी, सब लोग इसकी तारीफ करते हैं कि जितना आदर सत्कार और इतना मान सम्मान मुजफ्फरनगर मिला है। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि मुजफ्फरनगर के सर्विस क्लब का नाम दुनिया के टेनिस जगत में इस वक्त मशहूर हो गया है। कहीं भी अगर आप पूछेंगे कि टेनिस हिंदुस्तान में कहाँ होता है, तो सबसे पहला नाम सर्विस क्लब मुजफ्फरनगर का आता है, क्योंकि यहाँ के ग्रास कोर्ट विश्व स्तर के ग्रास कोर्ट हैं। सबसे बड़ी खूबी ये है। थैंक यू।